हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बताया था कि मैं संडे में स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ। स्पेशल क्लास उनके लिए है जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस देने जा रहे हैं, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था, एसएससी का एग्ज़ाम था फेज 9 का, उसी का हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर क्वेश्चन एक ही वीडियो में करेंगे। देखेंगे शिफ्ट वाइज और टाइमिंग कौन सा टाइमिंग एग्जाम हुआ था, ठीक है। इसलिए आप सीजीएल का स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास वीडियो है, ठीक है, जरूर देख के जाइएगा। शायद क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल सकता है। हालांकि एनटीपीसी रेलवे को रेलवे वालों को भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जीके जीएस और करंट अफेयर सबके लिए सेम ही होता है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण सीजीएल और सीएचएसएल वालों के लिए है, क्योंकि अभी हाल में एग्जाम हुआ है, फरवरी में और मार्च के बीच में एग्जाम हुआ है, और अभी अप्रैल में आप लोग एग्जाम स्टार्ट है सीजीएल के लिए, तो जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। और हम लोग डेली 15 क्वेश्चन का सेट करते हैं चैप्टर वाइज, तो जरूर देखा कीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 15 ही क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग देखा कीजिए, ठीक है। आज तो संडे, आज उसका क्लास नहीं डलेगा, कल से उसका क्लास डलेगा, लेकिन 4-5 क्लास डाल चुके हैं, देखिए उसको। चलिए, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक टाइम टू टाइम पहुंच सके और सबसे पहले आप देख सके उसको, ठीक है। चलिए चलिए, क्या हम लोग करने वाले हैं, देखिए, एसएससी जीके जीएस क्वेश्चन हेल्ड ऑन 2 फरवरी से लेके 16 मार्च 2022 के बीच में हुआ था, रिसेंट एग्जाम हुआ था, रिसेंट ही हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी अत्यंत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए, रामबाण साबित हो सकता है शायद, ठीक है। यूजफुल फॉर, देख लीजिए, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए, एग्जाम कब हुआ था, 8 फरवरी 2022 को हुआ था, 3 से 4 PM, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख भी सकते हैं जाके इंटरनेट पे, 8 फरवरी 2022 3 से 4 के बीच में हुआ था एग्जाम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, द एग्जैग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द डैश सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इम्यून्यू सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायर, देखो UNCED का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ देता है, क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट विच अडेप्ट एजेंडा 21 वॉज हेल्ड एट, कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो, कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ऑप्शन था, वही आंसर होने वाला था। चलिए, अलबरौनी किताबुल हिंद वाज रिटन इन, किस लैंग्वेज लिखा गया था, अलबरौनी किताबुल हिंद किस लैंग्वेज लिखा गया था, तो अरेबिक लैंग्वेज, कौन सा अरेबिक लैंग्वेज लिखा गया था, ठीक है। द यूनियन बजट 2021 अनाउंस द प्राइवेटाइजेशन ऑफ डैश पब्लिक सेक्टर बैंक एंड वन जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन द अपकमिंग फिस्कल ईयर 2021-22, कितना पब्लिक सेक्टर बैंक, तो 2 का, ठीक है, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने का बात किया गया था इसमें। चलिए, 5 नंबर, द 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ, 42 अमेंडमेंट कौन से ईयर में पास किया गया था, 1976, ये क्वेश्चन पर करवा चुके हैं, ठीक है। अभी जो फिलहाल में करवा रहे थे अपना जो टॉपिक वाइज जो इसका 15 क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन करवाए हैं हम लोग, ठीक है, अमेंडमेंट करवा चुके हैं, इसका ईयर भी करवा चुके हैं। देखिए, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं आप लोग देखा कीजिए, आप लोग देख लीजिए जाके, कल परसों का क्लास होगा, अमेंडमेंट करवाए हैं उसका, जाकर देखिए। चलो, 1976 42 का अमेंडमेंट है 1976 में। इनलैंड स्ट्रीम विच डू नॉट ड्रेन आउट इन टू सी आर जनरली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो राजस्थान, इसका आंसर राजस्थान होता। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच ऑफ द फ्लोइंग है द सेकेंड हाइस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, सेकेंड हाइस्ट लिटरेसी रेट कौन है, द लक्षद्वीप था इसका आंसर, ठीक है। एलगे वुड जनरली नॉट बी फाउंड रिसाइडिंग इन विच ऑफ द फ्लोइंग, द ड्राई स्टोन इसका राइट आंसर हो जाता। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं इंटरनेट में जाके, मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है, सारा वही क्वेश्चन है जो आया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई फर्जी नहीं है, आपको लग रहा होगा तो देख लीजिएगा जाके। चलिए, हु एड्रेस द कांग्रेस एट प्रेसिडेंट 1887, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का, दिस कांग्रेस इज कंपोज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव नॉट ऑफ एनी वन क्लास और कम्युनिटी ऑफ इंडिया बट ऑफ ऑल द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, कौन था, बद्रुद्दीन तैयबजी, कौन था, बद्रुद्दीन तैयबजी, इसका आंसर यही होने वाला था। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज फेमस फॉर हर नोटेबल वर्क ऑन शुगर कैन एंड एग प्लांट, कौन सा थी, जानकी एंड अमल, जानकी अमल, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ बांग्लादेश, तो 4 ऑप्शन था, उसमें नागालैंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, इसका भी क्लास हम लोग कराने वाले ट्रिक के साथ, ठीक है, इंडिया का बाउंड्री शेयर किसके साथ करता है, कितना किलोमीटर करता है, सबसे ज़्यादा टच कौन करता है, कौन सा स्टेट करता है, सारा कराएंगे ट्रिक के साथ कराएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़ जाए जितने हो सके, तो कल या परसों करवा देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम देखिए यहाँ से आया था, शायद सीजीएल में सीएचएसएल में आ सकता है फिर से क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देगा, लेकिन बाउंड्रीज पर ही क्वेश्चन रहेगा। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट अनाउंस इन ओरिजिन ऑफ टू आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
कौन सा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, कौन सा एक्ट, 327 ए के तहत, कौन सा आर्टिकल 327 ए, विथ रेफरेंस टू द लिटरेरी क्रिएशन ऑफ एंशेंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो देख लीजिए इसका इसका जो ऑप्शन था ये मुद्रा रक्षा विशाखा दत्ता इज द राइट आंसर, इसका यही हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एक मिनट क्वेश्चन बाहर हो गया क्या, नहीं ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या है किलोवाट आवर, यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर ऑप्शन में था, यही आंसर हो जाता। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज फरवरी से मार्च 2021 बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड मेंस क्रिकेट टीम, क्या रिजल्ट था, इंडिया वन बाई, इंडिया जीत गया था कितना, 3-1 सीरीज से, किसको हराया था, इंग्लैंड को 3-1 से जीता था इंडिया। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देते देखिए एसएससी में। ए डैश परफॉर्मेंस बिगिंस विद द कैलिकट्टू कॉलिंग द ऑडियंस टू अटेंशन फॉलोड बाय द टुडेयम, टुडेयम तो क्या है उसका, कथकली, कथकली कहाँ का है, कथकली आंध्र प्रदेश, केरला, केरला का है, और कथक बोलेगा नॉर्थ इंडिया यूपी। चलिए द टॉम चिन्नी का रोजा इज लोकेटेड इन, कहाँ पे चिन्नी का रोजा, कहाँ पे, आगरा में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज लॉन्च बाई द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, कौन सा मिनिस्ट्री, स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन इज द राइट आंसर। चलिए 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट ऑब्जर्व ऑन फुल मून डे, तो चार ऑप्शन था तो उसमें से एक कौन नहीं था, ईद उल फितर ये नहीं था, ठीक है इसका आंसर ये हो जाता। हुज ऑटोबायोग्राफी इज द बुक बाई गॉड्स डिक्रे, बाई गॉड डिक्रे किसका, कपिल देव का बुक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पूछा कौन इनकरेक्ट है, कुटानाड इज द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये गलत है, कुटानाड एग्रीकल्चर सिस्टम फेवर राइस कल्टीवेशन सही है, कुटानाड इज ए रामसर साइट एंड रिप्यूटेड डेस्टिनेशन ऑफ वाटर टूरिज्म, मतलब इसका आंसर ये हो जाता, ठीक है आंसर दिया उसे ओनली ए। द 51 दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था, रजनीकांत को, किसको, या कानवा दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था, रजनीकांत जी को मिला था। द मुस्लिम लीग अनाउंस्ड डैश 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त, 16 अगस्त 1946 को क्या डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा अनाउंस किया गया था। 25 नंबर द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ स्टार्टिंग ऑफ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम नेमली द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान वाज फरवरी 2020, ठीक है। चलिए ये हो गया पहला सेट का, अब चल दूसरा देखते हैं, दूसरा देखिए कब हुआ था, 8 फरवरी का था, ठीक है ये देखिए 9 फरवरी 2022 का एग्जाम हुआ था, टाइमिंग क्या था, 3 से 4 PM जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, ठीक है 25 23 24 ऐसे क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं 9 तारीख वाला, तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है, अगर लगभग क्वेश्चन तो सबका सेम ही होता है सिलेबस। चलिए भानु डैश इज ए फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द वर्कशिप द सन गॉड, सप्तमी भानु सप्तमी इज ए फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द वर्कशिप ऑफ गॉड सन गॉड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस होल्ड इट्स सेशन इन सेप्टेम्बर 1920 कलकत्ता में, द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास वेयर सेटअप कब 1857, कब 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास को सेटअप किया गया था 1857 में। अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीटेड पोरस इन द बैटल ऑफ, कौन सा बैटल में, हाइड ऑफ के बैटल में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाई आर एच विटेकर, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, फाइव किंगडम विटेकर क्लासिफिकेशन कौन किया था, तो विटेकर के द्वारा किया गया था 1969 में, तो इसका आंसर यू लेना हो जाएगा, ठीक है। इन मई 2021 द इंडियन नेवी लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड बाय डेवलपिंग डैश नावल शिप, कितना नावल शिप के साथ, 7 नावल शिप के साथ, ठीक है। द बिहारी पुरस्कार इज वन ऑफ द 3 लिटरेरी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाई द डैश इन 1991, कौन सा, के बिरला फाउंडेशन, कौन सा, के बिरला फाउंडेशन। गोमुख कुंड इज ए रिजर्वायर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स चित्तौड़गढ़, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। चलिए एनी लैंड विच इज लेफ्ट फेलो अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन डैश ईयर इज अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्चरेबल वेस्टलैंड, कितना, 5 साल के लिए, ठीक है। द प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना पीएम युवा इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ किसका, स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप।
विच अमेंडमेंट एक्ट 2017 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन नेसेसरी फॉर द जीएसटी रिजीम, कौन सा अमेंडमेंट 101 ये करवा चुके हैं पहले, जाकर देखिए मेरा परसों के लेक्चर में भी आया हुआ है, ठीक है। द एन अकबरी इज मेड अप ऑफ डैश बुक, कितना बुक, 5 बुक के साथ बनाया, ठीक है। एन अकबरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, किसका, एयर का, 4 ऑप्शन था, उसमें एयर इज द राइट आंसर हो जाएगा। विच रिवर इज नोन इज द सोरो बिहार, सोन कोसी रिवर। डैश इज ए फेमस डांस फॉर्म ऑफ जम्मू कश्मीर, तो 4 ऑप्शन था, धूमल इज द राइट आंसर, धूमल कहाँ, जम्मू कश्मीर का फेमस डांस है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया पार्टिकुलर साइज ऑफ डायमीटर डैश माइक्रोमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, कितना, इक्वल टू और लेस देन 2.5, याद रखिएगा, ठीक है, इक्वल टू और लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, इसका क्या है, माइक्रोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है, यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार, देखिए बाउंड्री से क्वेश्चन आ रहा है यहाँ, इसका मतलब कि हमको ट्रिक लाना पड़ेगा इसका, ठीक है। देखिए और क्वेश्चन आ गया है 19-9 तारीख में, तो असम शेयर नहीं करता, ये क्वेश्चन हम करवा देंगे, आपको टेंशन मत लीजिए, सीजीएल जाने से पहले करवा देंगे और देख के जाइएगा, क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल सकता है। अरुणिमा सिन्हा वाई द फर्स्ट डैश फीमेल टू स्केल माउंट एवरेस्ट, फीमेल एम्पुटी, ठीक है, एम्पुटी हु इज द ऑथर ऑफ द नोबेल ए पैसेज टू इंडिया, ई एम फॉरेस्टर, कौन सा ऑथर, ई एम फॉरेस्टर, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एसएससी में ही, ए पैसेज टू इंडिया, ई एम फॉरेस्टर। चलिए अकॉर्डिंग टू द सेंसस, कहाँ गया, अकॉर्डिंग टू द, चलिए अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड अर्बन एग्लोमेरेशन, कोलकाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, 4 ऑप्शन था, मलेरिया, इस तरीके इसका भी ट्रिक करवा दिए अपने यूट्यूब चैनल में, जाकर देखिए बैक्टीरिया वायरस फंगी एल्गे सारा का ट्रिक करवाएं अपने, 4-5 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए आपको काम आ जाएगा। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द T20 सीरीज मार्च 2021 बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया था, इंडिया 1-3-2 विथ रेफरेंस टू द सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, तो देख लीजिए इनकरेक्ट, इसमें द स्कीम अकाउंट कैन बी ओपन विथ ये मिनिमम 100 नहीं है, ठीक है, फ्री में खुल रहा था ये, तो ये गलत था। डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4, ये पार्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पार्ट अमेंडमेंट, ये सारा इंपॉर्टेंट शेड्यूल सब करके जाना है आपको, क्वेश्चन याद देखने को मिल सकता है। 26 नवंबर वाज फॉर्मली डिक्लेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, 26 नवंबर 2015, ठीक है, 2015 से। चलिए 10 तारीख को 10 फरवरी 2022 3-4 PM जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन फिर देखते हैं अगला शेप, ठीक है, तो सारा हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू अरेबियन सी, ताप्ती। व्हाट इज द एम ऑफ द पीएम वानी स्कीम, क्या एम था, प्रोलिफरेशन ऑफ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, ठीक है, पीएम वानी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, याद रखिएगा पीएम वानी। द वर्ड इक्वालिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, देखिए क्वेश्चन आया, विच अपियर इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ये कल परसों वाला क्लास में करवा चुके हैं, ठीक, जो पंद्रह क्वेश्चन करवाते हैं सीरीज में, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन करवाया गया, जाकर देख लीजिए आप लोग फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का, देख लीजिए आप लोग, ठीक है, यकीन नहीं हो रहा होगा तो, इसलिए बोलते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप करवा रहे टॉपिक, जो 15 क्वेश्चन करवा रहे ना काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। देखिए 4 क्वेश्चन तो यहीं दिख गया हमको, इतने तीनों सेट में दिख गया, बाकी देखिए अभी आने वाले एग्जाम में क्या दिखता है। चलिए 4 नंबर, आई वाज लॉन्च इन 2015 फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू 10 लाख टू द नन कॉपरेट नन फार्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज, वन ऑफ माई प्रोडक्ट इज तरुण आइडेंटिफाई मी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। एज पर डाटा 2017-18 रिलीज बाय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अरहर तूर अरहर इन इंडिया, तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड रोएंटोन, ठीक है, रोटेंटोन, क्या है रोटेनोन, देख लीजिए क्या है, प्रोनाउंसिएशन मत जाइए। विरूपक्षा टेम्पल ये लोकेटेड कहाँ पे, हम्पी में, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, विरूपक्षा टेम्पल हम्पी में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज नवरोज, इसमें 4 ऑप्शन था, इसका राइट आंसर नवरोज हो जाता। मोडी एट्टू इज ए रिचुअल डांस फॉर ड्रामा फ्रॉम केरला, मोडी एट्टू केरला का डांस है, ठीक है, बेस्ड ऑन द मैथोलॉजिकल टेल ऑफ ए बैटल बिटवीन द गॉडेस डैश एंड द डेमोन दरिका, द काली एंड डैश काली एंड द डेमोन दरिका के बीच, ठीक है।
विच सिटी वाज द रेवेन्यू ऑफ ऑल द थ्री ODI बिटवीन द मैन देखिए मैन क्रिकेट टीम इंडिया एंड इंग्लैंड हेल्ड ड्यूरिंग इतना पुणे वहाँ से देखिए तीनों दिन सात को भी पूछा इस पर आठ को भी पूछा नौ को भी पूछ दिया क्वेश्चन ठीक है तीन क्वेश्चन पूछ दिया इन 1924 महात्मा गांधी गॉट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द INC इन कहाँ बेलगाम कर्नाटका द लॉज गवर्निंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ वेर अडेप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कहाँ से लिया गया जापान से इसका भी क्वेश्चन हम करवाने वाले ठीक है कितना भी कहाँ से कौन सा कहाँ से लिया गया ठीक है सारा का पाँच छः का है उसका सब करवा देंगे वहाँ से क्वेश्चन आने देखने को मिलता है इसलिए इसको भी करवाएंगे हम लोग टेंशन मत लीजिए जल्दी करवाने वाले CGL से पहले करवाएंगे द बंगाल गैजेट वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया क्या था इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया बंगाल गैजेट था द नंबर ऑफ विलेज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 लाइज बिटवीन देखिए कितना है 640,000 से लेकर 650,000 ठीक है अच्छा ये आंसर ही था ये मतलब ये आंसर ही था ठीक है थोड़ा PDF बनाने में थोड़ा गलती हो गया ये आंसर था 640,000 से लेकर 650,000 के बीच में ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम डायमेंशन एज द प्रेशर द स्ट्रेस स्ट्रेस होता है जो प्रेशर का तो वो भी स्ट्रेस का ही होता है ठीक है चलिए हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल द इनसाइडर का ऑथर कौन है PV नरसिम्हा राव द इनसाइडर देखिए क्वेश्चन आया पुराना बुक है PV नरसिम्हा राव चलिए अगर अरेंज द फॉलोइंग इज असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है आपको ठीक है तो आपको देखिए असेंडिंग ऑर्डर सजाना है डेट पर आपको याद रहना पड़ेगा इसके लिए इसका मतलब ताजमहल कब था डेट इसका ताजमहल का आई थिंक 1631 था ठीक है ताजमहल 1631 और ताजमहल पता ही है आगरा में है और कौन बनवाया था सबको पता शाहजहाँ ने अपना बेगम के लिए बनवाया था ठीक है चलिए कोणार्क सन टेम्पल तो कोणार्क सन टेम्पल 1250 ये कहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा है किसने बनवाया इसके तो देखिएगा कोणार्क सन टेम्पल किसने बनवाया नरसिम्हा देवा ठीक है नरसिम्हा देवा याद रखिएगा कोणार्क सन टेम्पल जो उड़ीसा में 1250 में नरसिम्हा देवा फर्स्ट बनाया था ठीक है गोल्डन टेम्पल 1604 में आपको ही जवाब देना है इसका कौन बनवाया था इसको अर्जुन देव था या गुरु रामदास या अर्जुन देव ठीक है आपको बताना कमेंट करके ठीक है आपको होमवर्क दे रही ला गोल्डन टेम्पल 1604 ईस्वी में आंसर रामदास होगा या अर्जुन देव होगा ये दोनों आपको बताना ही बताना ठीक है ये दोनों में से एक ही होगा आपको बताना है इसको ठीक कमेंट करके चलिए बृहदेश्वर टेम्पल का कब हुआ था 1010 AD में ठीक है बृहदेश्वर टेम्पल बहुत पुराना है इसका एक और पूछता क्वेश्चन किसने बनवाया था तो देखिएगा राजा राजा फर्स्ट आ देखिए ठीक है बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु राजा राजा फर्स्ट ने बनवाया था 1010 AD में और कोणार्क सन टेम्पल 1250 में नरसिम्हा देव फर्स्ट बनाया था ठीक है आप सजा लीजिए देखिए 1010 है ही तो पहला तो डी हो जाएगा चलो ऑप्शन तो दिया हो चलो डी देख लीजिए 1010 फिर 1250 फिर 1604 फिर 1631 ठीक है इसका आंसर ये लाइन हो जाता आप देखिए क्वेश्चन कहाँ कितना घुस के पूछा अंदर मतलब आपको ईयर याद होगा तभी बना पाएंगे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा ठीक है और इसमें ईयर के साथ साथ देखिए इंपॉर्टेंट भी बात पता चल गया नरसिम्हा देव फर्स्ट और राजा राजा फर्स्ट तमिलनाडु में गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब में है ताजमहल आगरा में है और कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है जो नरसिम्हा राव फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था ठीक है इतना क्वेश्चन निकल के आया यहाँ से चलिए हाँ हुई मैं फ्लोइंग इज नॉट ये भारत रत्न अवार्ड कौन नहीं भारत महात्मा गांधी को कभी नहीं मिला है गीता गोपीनाथ इज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन टू बिकम द चीफ इकोनॉमिस्ट एट विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन IMF का बनी थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वेयर वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये ट्रिक करवा चुके हैं RVP के ठीक है करवा चुके पहले हम राजगीर वैशाली पावापुरी कश्मीर ठीक है राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर तो सेकंड पूछा तो वैशाली हो जाएगा ये कराची का ट्रिक के साथ अपने हमारे चैनल से जुड़िए इसको अभी करवाने वाले हैं ठीक है जितना जल्दी हो सके हमारे चैनल के साथ जुड़िए आपको यकीन मानिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है हम वही टॉपिक कवर करते हैं जो एग्जाम में वही क्वेश्चन उठ के आते हैं ठीक है चलिए मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर ओरगोसेना 2021 फ्रंट रनर टू फीस कमेंसेड ऑन 4 अप्रैल 2021 बांग्लादेश विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का ठीक है चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 मार्च 2022 को देखने वाले हैं
14 मार्च 2022 को 3 से 4 PM 1 घंटा एग्जाम था। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। एज ऑफ दिसंबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश, कौन सा? इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, द कन्फ्लुएंस ऑफ टू होली रिवर ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी टू फॉर्म ए गंगा इज नोन एज देवप्रयाग। नृत्य शास्त्र, नृत्य शास्त्र ए संस्कृत हिंदी टेक्स्ट दैट डील्स विद परफॉर्मिंग आर्ट्स, इलुडिकेट्स सेवरल गेस्चर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस एंड अकॉर्डिंग टू इट्स मोहिनीअट्टम इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ डांस, मोहिनीअट्टम कहाँ से? केरला है। क्या इसको क्या बोलते हैं? लस्या बोलते हैं। मोहिनीअट्टम केरला, याद रखिएगा। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, कब डिमांड किया गया था? 1934 में किया गया था, याद रखिएगा डेट। एज पर ऑफ इंडिया सेंसस 2011 विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इज स्पोकन बाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, हिंदी के बाद कौन सा था? बंगाली था, याद रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस विली सिविलाइजेशन टाउन्स वॉज ऑलमोस्ट एग्जीक्यूटिवली डेवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग ब्रेड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग, तो चौनों दारों ये करवा चुके हैं, ठीक है। इसका कौन सा पर्सन का नाम था और ये सब करवाया हम पर 2 दिन पहले का क्लास की बात है, जाकर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करवाएं, इसमें से ये भी क्वेश्चन भी था, जाकर देखिए यकीन नहीं हो रहा तो, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन तो हमको दिख गया यहीं से ही। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया विच हिल स्टेशन बिकम द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, शिमला। द रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ए नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी पब्लिश द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 विच रैंक 180 कंट्रीज, इंडिया का रैंक कितना? 142, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 142 रैंक है इंडिया का। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एम्स में एक जंग लड़ते हुए, रमेश पोखरियाल। देखिए एम्स में एक जंग लड़ते हुए रमेश पोखरियाल के द्वारा लिखा गया बुक है। हालांकि इंपॉर्टेंट बुक का हम एक वीडियो बनाकर डाल देंगे, बुक इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम में। When by the Majority Act which defines the age of the majority of Indian citizen 1875। Who among the following got Padam Vibhushan Award 2022, कौन मिला? कल्याण सिंह। 4 ऑप्शन में कल्याण सिंह इज द राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following scheme was launched to raise the overall status of the girl child and bring about a positive change in family and community attitude, तो बालिका समृद्धि योजना, क्या है? बालिका समृद्धि योजना। In which of the following year did the Opium Act come into force to regulate the cultivation of opium, poppy and manufacture of opium? 1857। The Bibi Ka Maqbara, the burial place of Aurangzeb's wife Rabia Ud Browni near Aurangabad city is an imitation of which of the following monument? The Taj Mahal at Agra। Which of the following is not a characteristic of amphibia class of animal, कौन नहीं है? एम्फीबियंस आइस आर विदाउट आइल, ये नहीं था, ये इसका आंसर यही हो जाता, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन द कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमोसफियर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ, किसमें मानते हैं? डी यू मानते हैं, कुछ डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम थानेश्वर, द पुष्यभूति, पुष्यभूति, ठीक है। एसेसरीज ए डिजीज इज कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग एंड हेलमिंथ इज नोन एज द पैथोजेनिक टू मैन, कॉमन राउंड वार्म्स बोलते हैं इसको। इन जनवरी हु वाज स्वर्न इन एज द फर्स्ट ओमन प्रेसिडेंट ऑफ होंडुरास, तो क्या है? जुमारा कैस्टेरो। लेकिन नाम भी अजीब अजीब है सब, तो याद कहाँ से हो गए सब चीज़। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन द मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम इज कॉल्ड ओम, ओम का किसको बोलते हैं? इसको रेजिस्टेंस का ही बोलते हैं, ओम इसका ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस। चलिए, निर्विक निर्यात ऋण विकास योजना स्कीम अनाउंस्ड इन 2020-21 यूनियन बजट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एक्सपोर्ट क्रेडिट, इसको इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, क्या है फोर्थ शेड्यूल? एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये शेड्यूल में करवा चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जाकर देखिए, 1 हफ्ता पहले की बात है, शेड्यूल करवाए हैं, जाकर देख लीजिए। आपको यकीन नहीं रहा होगा, आपको लग रहा हो कि ऐसे ही बोल रहा, तो जाकर देख सकते हैं, 1 हफ्ता पहले की बात है। इसका शेड्यूल हम 10 या 12 शेड्यूल करवाए हैं, ठीक है। तो फोर्थ शेड्यूल क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा, स्टेट ऑफ जो भी है, ठीक है। तो 7-8 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल गया हमको फरवरी एग्जाम में।
इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी मेक हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया 1916 इंडिया डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल एट द सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगुआ ठीक है किसको हराया था इंग्लैंड को हराया था चलिए 15 मार्च 2022 3 से 4 बजे ठीक है 15 मार्च का क्वेश्चन देखते हैं रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन डिवाइडेड वर्ल्ड इज ए मेमोयर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मर यूनियन सेक्रेटरी जनरल बैन की मून डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लास्मोडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया ऑफ दिस मेलिनजेंट मलेरिया विच इज द मोस्ट सीरियस इज कॉज्ड बाई प्लास्मोडियम फैल्सिफेरियम ठीक है प्लास्मोडियम फैल्सिफेरियम मोहिनीअट्टम डांस ए मोड्स ऑफ प्ले थ्रू डांसिंग एंड सिंगिंग वेयर द सॉन्ग इज कस्टमरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज मनी परवल्ला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विटी कल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स यही है टॉप में कौन है टॉप में महाराष्ट्र याद रखिएगा ठीक है विटी कल्चर के मामले में महाराष्ट्र टॉप में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ एप्स बर्ड्स क्लास ऑफ एनिमल द हिंड लिम्स आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स ये सही हो जाएगा एज पर इंडिया सेंसर 2011 विच ऑफ द 22 लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल कौन सा शेड्यूल 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज स्पोकन बाय लिस्ट नंबर ऑफ पीपल्स संस्कृत इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज डिड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री डाई उज्बेकिस्तान कहाँ पे उज्बेकिस्तान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन वेलोसिटी इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर वाज द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब 2009 में उगाड़ी पचाड़ी इज फेमस डिश कहाँ का डिश है ये दैट इज एसोसिएटेड विद उगाड़ी फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट डज इट कंटेन द 6 कितना 6 इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वेयर द रिमेन्स ऑफ द एंशियंट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ बिहार में देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया है देखिए While adopting the Constitution of India 1949, by which article of the Constitution of India, the Indian Independence Act 1947 and the Government of India Act 1935, together with all enactment, amending or supplementing the latter act, except the abolition of Privacy Council Jurisdiction Act 1949 was repealed in Article 395. इतना लंबा क्वेश्चन था भाई Who among the following got Padma Vibhushan Award 2022 किसे मिला बिपिन रावत जी को मिला है In December 2021, which of the following countries announced that it will no longer censor films released in cinemas, the country's latest effort to boost its brand as a liberal hub attraction to foreigner, UAE, United Arab Emirates, ठीक है देखिए 15 तारीख को क्वेश्चन लंबा लंबा क्वेश्चन आया था ठीक है 15 मार्च वाले एग्जाम में द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग NPCSCV मिशन कर्मयोगी वाज लॉन्च विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्हेंसिंग गवर्नमेंस थ्रू सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 पिलर ऑफ दिस प्रोग्राम द फिजिकल फिटनेस फ्रेमवर्क चलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर इन द 15th सेंचुरी कम्स फ्रॉम द हु अमंग द फ्लोइंग डिप्लोमेट्स हुड विजिटेड इंडिया फ्रॉम हेराट अब्दुल रज्जाक समरकांदी चलिए 17 नंबर इन 1943 सम ऑफ द यंगर लीडर इन विच डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र सेटअप पैरेलल गवर्नमेंट विथ वॉलंटियर क्रॉप्स 17 व्हाट इज द टर्म यूज फॉर नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम दैट सेव्स इट्स एनवायरनमेंट एबायोटिक फैक्टर बायोटिक और एबायोटिक पढ़ चुके होंगे आप लोग शायद द फीचर ऑफ ए ज्वाइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेस ज्वाइंट सीटिंग कहाँ से लिया गया आपको याद रखना है ज्वाइंट सीटिंग कंकरेंटली सेटअप कहाँ से लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया द ऑफिशियल नेम ऑफ बांग्लादेश पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश द एडवोकेट जनरल ऑफ ईच स्टेट इन इंडिया अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट हुई मैंग द फॉलोइंग रिसीव पद्म भूषण 2022 विक्टर बनर्जी को पद्म भूषण मिला 2022 में महेंद्र गिरी कहाँ पर लोकेटेड है उड़ीसा में लोकेटेड है ऑन 6 फरवरी 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द फर्स्ट टू प्ले 1000 वन डे इंटरनेशनल कौन खेला है इंडिया 1000 इंटरनेशनल ODI खेल चुका है चेनाब रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग टू रिवर चेनाब चंद्रा एंड भागा चेनाब रिवर चंद्रा एंड भागा के मिल से कन्फ्लुएंस से ओरिजिनेट होता है ठीक चंद्रा एंड भागा
चलिए हो गया लगभग 25-25 हो। हाँ ठीक है, देखिए दोस्तों लगभग क्वेश्चन लोग कर लिए, ठीक है। आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा सेट को, शायद दो चार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि हाल में एग्जाम हुआ ये, आपको पता ही होगा जैसा कि। चलिए यदि इसका PDF चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम में जुड़िए, इसका लिंक हालांकि टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और टेलीग्राम में डाल देंगे, ठीक, टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे इसमें, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वाइब्रेंट VIBRANT क्लासेस बिना स्पेस दिए हुए, ठीक है, कैपिटल में सब है, वाइब्रेंट क्लासेस 43, ठीक है, ये टेलीग्राम का चैनल का नाम है, इसमें डायरेक्ट जुड़िए, इसका PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे आप लोग, ठीक है। और वहाँ हर चीज़ का पीरियड दिया जाता है, इंपॉर्टेंट में जितना भी होते हैं, आप लोग क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो चैनल से जुड़ना ही जुड़ना है आपको, और टेलीग्राम से भी जुड़ना है, तभी आपको फ़ायदा हो सके पूरा अच्छा से, ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं अगला वीडियो, कुछ बढ़िया से लाते हैं आप, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में हेल्प मिले काफ़ी, ठीक। चलिए तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद जय भारत, और अपने आप को ख्याल रखिएगा, एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिएगा, ठीक, और तैयारी जम के कीजिए एकदम, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।